एक ऐसे इंसान की है जो अपनी कीमत जानना चाहता है, और वो जाता है एक बार गुरु नानक देव जी के पास और पूछता है कि साहब बताइए मेरे जीवन की कीमत क्या है। वो जीवन से फ्रस्ट्रेट होकर जाता है, अपने जीवन की कीमत पूछता है। गुरु नानक देव जी उसको एक पत्थर देते हैं, एक चमकीला पत्थर देते हैं और कहते हैं जाओ बाजार में और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, इस पत्थर की कीमत कितनी है, जाना इसको बेचना मत, बस इसकी कीमत पता करके आना। वो आदमी जाता है और बाजार में जाकर उसको बेचना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक पत्थर है, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूं। सब्जी वाला उस पत्थर को देखता है, वो पत्थर बहुत चमकीला होता है। सब्जी वाला कहता है कि तुम्हारा पत्थर देखने में बहुत सुंदर है, मैं इससे तोड़ने का काम कर सकता हूं, अपने एक बटकरे की जगह लगा सकता हूं, तो मैं तुम्हारा ये पत्थर ले सकता हूं। तो उसने पूछा कितनी कीमत है इसकी। उसने कहा इस पत्थर की बजाय मैं तुम्हें 4 किलो या 5 किलो आप आलू ले सकते हो, 5 किलो आलू या प्याज ले जाओ। वो इंसान कहता है कि बेचने को मना किया है, सिर्फ कीमत पूछनी थी, और आगे चला जाता है। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक राशन की दुकान मिलती है, उस राशन की दुकान पर जाता है और जनरल स्टोर पे जाकर वो फिर प्रस्ताव रखता है, पत्थर को दिखाता है। वो दुकानदार उससे कहता है ये आपका पत्थर देखने में बहुत सुंदर है, मैं इसको सजाने का काम करूंगा, मैं इसको घर पे रख दूंगा, इसको सजाऊंगा, तो मैं ये पत्थर लेना चाहता हूं। वो आदमी पूछता है इसकी कीमत क्या लोगे। वो बताता है कि आपका पत्थर देखने में सुंदर लग रहा है, मैं इसके बदले आपको 1 बोरी चावल ले सकते हो या आप मुझसे 1000 रुपए ले सकते हो। वो आदमी फिर जाता है, बाहर निकल जाता है, कहता है कि बेचने को मना किया था, सिर्फ दाम पूछना था, और ये कह के वो अगले दुकान पे जाता है। कुछ दूर बाहर जब जाता है तो उसको एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। वो सुनार के पास जाता है और सुनार से कहता है ये एक पत्थर है, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूं, आप बताइए इसके क्या कीमत लगाओगे। सुनार उस पत्थर को देखता है और कहता है कि आपका पत्थर देखने में बहुत सुंदर है, मैं इसको गहनों में सजा सकता हूं, गहनों में इसका उपयोग कर सकता हूं, इसलिए मैं ये आपका पत्थर लेना चाहूंगा। वो पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। वो कहता है मैं इसकी कीमत 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। जब ये बात वो सुनता है वो आदमी चौंक जाता है। वो आदमी उसे कहता है कि बेचने को मना किया था, सिर्फ कीमत पूछनी थी, और ये बात कह के जब वो बाहर आता है उसके हैरानी का ठिकाना नहीं था कि जब वो शुरुआत किया था तो उसको 5 किलो आलू यानी 100 या 200 रुपए मिल रहे थे, लगभग 200 रुपए की कीमत मिल रही थी, और अब उसकी कीमत 1 लाख हो गई। वो आगे जाता है, कुछ देर बाद उसको एक जौहरी की दुकान देती है जो हीरो की तराशता है। वहां जाता है, उस पत्थर को लेकर जाता है। वो कहता है कि ये मेरे पास एक पत्थर है, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूं, बताओ आप इसकी कितनी कीमत लगाते हो। वो जौहरी उस पत्थर को देखता है, बहुत ध्यान से देखता है, उस आदमी को देखता है और कहता है कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर को अगर आप मुझे दे सकते हो तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, मेरे पास करोड़ की संपत्ति है। इस पत्थर की कीमत बेशकीमती पत्थर है, ये एक पारस पत्थर है जिसको किसी भी लोहे से अगर टच किया जाए तो वो सोने में परिवर्तन हो जाता है, और ये पत्थर बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर मैं अपना सारा धन दौलत भी आपको दे दूं तो भी इस पत्थर की कीमत मैं आपको नहीं दे सकता। वो इंसान पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है फिर बेचने को मना किया था, सिर्फ इसका दाम पता करना था, और ये कह के बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद जब शाम को वो गुरु नानक देव जी के पास जाता है और पूछता है कि सर जब मैंने उसको अलग अलग दुकानों में ये सब चीज किया तो मुझे एक बहुत चौंकाने वाली बात नजर आई, जहां पर एक सब्जी वाला मुझे इसकी कीमत सिर्फ 5 किलो आलू बता रहा था, वहीं आखिर में जौहरी ने इसको बेशकीमती बताया। गुरु नानक देव जी बहुत मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हारे जीवन की कीमत भी यही है, तुम इसको कितने में बेचते हो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, या इस जीवन को तुम एक सब्जी वाले के पास बेच रहे हो, या एक सुनार के पास बेच रहे हो, या एक राशन की दुकान पे बेच रहे हो, यानी इस जीवन की कीमत हमारे हाथ में होती है। हम इस जीवन को चाहें तो छोटे छोटे चीजों में लगा दें, या इसको इतना बेशकीमती बना दें जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी थी जो आपको आपके जीवन की कीमत बताती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो kindly सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।